यहाँ से पूरा दोनों रोडों के बीच ये गुफा है, गुफा। हाँ सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये यहाँ का मंदिर है। सो आप लोग देख सकते हो ये है खेत के लिए। जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज है संडे, फिलहाल हम लोगों का ड्यूटी छुट्टी है, तो हम लोग थोड़ा गांव के एरिया में घूमने के लिए आए हैं। और आप लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे हो। मेरा दोस्त दो, हम लोग तीनों आए हैं, तीन दोस्त है। यहाँ मेरा दोस्त शंकर है, गांव का ही है दोनों दोस्त। यहाँ आज़ाद है, आज़ाद और शंकर और मैं, हम लोग तीनों घूमने के लिए आए हैं। और आप लोग तो बहुत सारे वीडियो में आप लोग देखेंगे, न्यूज़ चैनल में देखेंगे, नहीं तो वीडियो में देखेंगे आप लोग की आप लोग आसाम से बाहर और दूसरे स्टेट में, मतलब हम लोग अभी तो आंध्र प्रदेश के नीलू डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो इस आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक छोटे से गांव में घूमने के लिए आए हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस साइड में हमारा कंपनी है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल लोकल एरिया में गाँव की तरफ आए हैं, जा रहे हैं अभी घूमने के लिए। तो आप लोग तो बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, उसके टाउन का एरिया दिखाता है, जो कि न्यूज़ चैनल में वगैरह में दिखाता है। कुछ हादसा होता है, कुछ भी होता है, तो टाउन का जो सीन होता है, अच्छा अच्छा सीन उस वो वाला दिखाता है। फिलहाल हम लोग अभी गांव के एरिया में आए हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस साइड में खेत है, यहाँ देख सकते हो इस साइड में भी पूरा खेत है। अभी आप लोगों को एक बात बता दूँ, यहाँ 6 महीने साल में 2 बार खेत करता है। हम लोग जब फिलहाल आए थे तब एक बार खेत, अभी हम लोग 6-7 महीना हो गया यहाँ पे। तो हम लोग पहले आए थे तब चल रहा था खेत का काम, मतलब तब खेत पूरा ख़त्म हो गया। फिलहाल अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी देख सकते हो इधर में पूरा खेत लगाया है, पूरा इस तरफ खेत लगाया हुआ है पूरा। तो अभी फिलहाल मतलब साल में 2 बार खेत होता है यहाँ। और आप लोग देख सकते हो यहाँ का रास्ता कुछ इस तरह का है पूरा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है ताल का पेड़। आई होप आप लोग क्या बोलते होंगे ताल को, फिलहाल हम लोग तो ताल ही बोलते हैं इसको। तो ताल, मैं भी पहले ताल यहीं पे आके किया। आप लोग पहले एक वीडियो बनाया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में जब लोकल एरिया में हम लोग बस्ती की तरफ घूमने गए थे, तब वो ताल का पेड़, जो ताल होता है, उसको हम लोग खाए थे रूम में लाके। वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जब मैं छोटा था तब मेरे को ऐसा लगता था कि हमारा एरिया है, हमारा जो स्टेट है, हमारा आसाम से बाहर, मतलब दूसरी जगह में ओनली बड़ा बड़ा घर होता है, बड़ा बड़ा शहर होता है, गाड़ी वगैरह वगैरह होता है, टाउन एरिया होता है बड़ा बड़ा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा जो गाँव वगैरह होता है सेम हमारे जैसा, हम लोग जैसा, हमारा गाँव में जैसा होता है, खेत वगैरह सब कुछ, रास्ता से लेकर सब कुछ, यहाँ भी कुछ इसी तरह होता है। पहले तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े घर ऐसा होता है, लेकिन अभी आके पता चला। इधर में आप लोगों को अभी गांव का सीन दिखाने वाला हूँ। आगे जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। इधर से होके निकलेंगे, पूरा रूम की तरफ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, जितना भी हो सकेगा मैं आज आप लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा। और क्या जो कुछ भी देखने को मिलेगा वो आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू ही है, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। सो आप लोग देख सकते हो ये है खेत के लिए ट्रैक्टर, जो कि डबल केजुअल है, हम लोग केजुअल ही बोलते हैं इसको। सो इसी तरह का होता है, यहाँ टायर वगैरह नहीं लगता है। सो इधर में ट्रेलर है उसका। तो दोस्तों आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, हम लोग तो फिलहाल बिना मास्क के ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन आप लोग घर से निकलिए तो ज़रूर मास्क लगा के निकलिए। और क्योंकि अभी भी करोना ख़त्म नहीं हुआ है, हमारा जो करोना वायरस है ख़त्म नहीं हुआ है, तो आप लोग ज़रूर जो कोविड का जो रूल है वो मान के चलिए। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये यहाँ का मंदिर है, जो कि क्या मंदिर है, हनुमान बजरंग बली शायद हो सकता है, शायद हो सकता है बजरंग बली का मंदिर है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये गुफा है, गुफा। हाँ ये रोड है, ये मतलब नेशनल हाईवे रोड है, और यहाँ पे है रेल लाइन, उसके बगल में है ये अंदर वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये वाला कॉलेज है।
तो गाइस आज से तीन दिन पहले, करीबन तीन दिन पहले यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ से मतलब यहाँ से नीलूर से गुड़ जाने वाली ये रास्ता है। तो इसी बीच में, इस रास्ते के बीच में एक ओवरब्रिज बन रहा है, नया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो उसमें तीन दिन पहले क्या हुआ, पूरा बारिश की वजह से पूरा पानी भर गया। तो फिलहाल इसी रोड में यहाँ तक करीबन 30 किलोमीटर ट्रैफिक जैम लगा था। वो तीन दिन तक चला, हम लोग इधर देखें पूरा तीन दिन तक चला वो ट्रैफिक 30 किलोमीटर। शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ इतना लंबा ट्रैफिक, पूरा 30 किलोमीटर और तीन दिन चला, तीन दिन तक पूरा ट्रैफिक रहा था इधर में, इसी रोड में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये फोर लाइन है, और इसके बीच में आप लोग देख सकते हो इसके बीच में पूरा ये है और मेहंदी का पेड़ आप लोग देख सकते हो यहाँ से पूरा दोनों रोडों के बीच, ये एक रोड है और दोनों रोडों के बीच पूरा मेहंदी का पेड़। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पूरा रोडों उस साइड में भी रोड है और इस साइड में भी रोड है, दोनों रोडों के बीच पूरा मेहंदी का पेड़ है, फूलों का पेड़ है, ये सब पूरा फूल का मेहंदी का पेड़ है। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो खेत लाइन लाइन रोपा गया है, ये देख सकते हो आप लोग यहाँ से यहाँ लाइन लाइन, जो कि इसलिए ये रोपा गया है क्योंकि अभी तो जब काटने का टाइम आएगा तो वहाँ क्या होता है, आप लोगों को मशीन से कटिंग करेगा तो मशीन का जो व्हील होता है वो दोनों लाइन में व्हील चला जाएगा और अच्छे से काट सकेगा, क्योंकि यहाँ हाथों से नहीं काटा जाता है, मशीन से काटा जाता है, ट्रैक्टर से काटा जाता है जो इसके मशीन सिस्टम है। तो आगे अगर आप लोगों को मौका मिले तो वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो इसलिए यहाँ खेत इस तरह का रोपा जाता है और लाइन लाइन करके पहले रस्सी से इसे लाइन मारते हैं उसके बाद रोपते हैं। तो गाइस आप लोगों को आज का वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लोर करके यहाँ का लोकल एरिया आप लोगों को दिखाया कुछ कैसा है क्या नहीं। तो आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पास प्रेस कर देना, और मिलेंगे नई वीडियो में, नई डिस्टेंस नई जगह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आप लोग ऐसे ही प्यारो सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों का प्यारो सपोर्ट है तभी तो आपका यार है।